हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट फिट ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस वीकली चार्ट बस्टर्स के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप्स में जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने यहाँ पे हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा था 4th of July या 5th of July के दिन, इस एरिया के आसपास 414-415 के आसपास। यहां से देखिए प्राइस ने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है। यहां से इसने ऑलमोस्ट, अगर यहां तक हम देखें तो 90% के आसपास का इसने रिटर्न दिया था। अगर हम देखें कितने दिनों में, जुलाई से लेके जनवरी, ऑलमोस्ट अगर आप यहां पे बोले तो 6 से 7 महीने बोल सकते हैं आप, 6 से 7 महीने में इसने 91% का रिटर्न दिया था। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों के सामने क्यों लेके आए हूं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। एक बार को इस चीज को यहां से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, नहीं मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार को चले जाते हैं हम। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट देखें ना, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर हाई था जो प्राइस ने बनाया था 553 के आसपास का 2007 में, प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक करा है कितने सालों बाद, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें यहाँ पे तो हम ध्यान से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 17 साल बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ठीक है, 17 साल बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। और एक बार को अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम चेक कर ले, आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है और किस भयंकर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके के जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ लेके आता हूँ वीकली चार्ट बस्टर्स में, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर स्विंग में होता है तो मैं आपको स्विंग के टारगेट्स वगैरह भी बता देता हूँ, बट बेसिकली इन स्टॉक्स को आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही फोकस करना है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखिए अभी रिसेंटली 573 का इसका जो हाई था उसे ब्रेक किया है, अभी यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट हुआ नहीं है। ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर सकता है, यहां से एक और छोटी सी रैली देके इस तरीके से आ सकता है रिटेस्ट करने, और यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताने के बाद इस तरीके से हमें मूव करता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। अगर हम एक बार को देख ले यहाँ पे इसका डेप्थ कितना है, कितने परसेंट इसने फॉल करा था इस एरिया से, अगर हम देखें इस एरिया तक तो ऑलमोस्ट इसने फॉल करा था 96% के आसपास। तो 96% एक बार के लिए हम एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट होता है ना 15-16 साल के बाद, तो ये 100-150% पे नहीं रुकता, ये यहां से मिनिमम 400-500% मूव करेगा यहां से, ये मेरा मानना है। याद रखिएगा मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। मैंने जिस तरीके से चार्ट्स को एनालाइज किया है, मैंने जैसे पास्ट में रिजल्ट्स वगैरह देखे हैं प्रीवियस, उसकी मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। तो अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से रिटेस्ट करके भी जा सकता है और यहां से एक इस एरिया से भी एक हमें मोमेंटम देता हुआ दिख सकता है। हमारा जो इसमें पहला एक पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट रहेगा वो है 1111 के आसपास का। अगर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग में इसका टारगेट बता दूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में मुझसे टारगेट पूछेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में मेरा पहला टारगेट होगा नियर अबाउट 843 के आसपास का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 942 के आसपास है, एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 1111 के आसपास का। तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन। बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है स्किपर। स्किपर देखिए मैंने इस एरिया के आसपास हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया था 133 के आसपास, 15th से 16th May के समय में मैंने शेयर किया था। और यहां से देखिए इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने रिटर्न दिया था एक बार को 173% तक का। ये तो एक सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जब प्राइस इस एरिया के आसपास ट्रेवल कर रहा था। और यहां से देखिए प्राइस ने, मैंने ये दो जो स्विंग के टारगेट्स दिए थे 285 एंड 363, ये दोनों टारगेट्स भी हमारे कहीं ना कहीं अचीव हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार को मैं इन लेवल्स को यहाँ पे हटा देता हूँ और आपको मैं एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा। मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस एरिया के आसपास, अगर मैं बताऊं इस एरिया के आसपास या फिर इस एरिया के आसपास हमारे एक फ्रेंड के साथ मैंने शेयर किया था, मैं आपको उसका प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तो आई होप आपने देख लिया, ये वो पर्टिकुलर डेट है जिस दिन मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास, मैंने आपको बोला था वहां से वो 10% ऊपर चल चुका है, ये वो पर्टिकुलर एरिया था या ये वो पर्टिकुलर एरिया था। और मैंने उन्हें पहले भी बोला था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से मल्टीबैगर बनेगा, आपने देखा भी उन्होंने मैसेज में मुझे बोला कि देयर इज स्टिल मोमेंटम पेंडिंग, राइट।
और ये पर्टिकुलर स्टॉक ने, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे मैंने हमारे उन फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था, वहां से देखिए इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, 491% का रिटर्न दिया है। कितने दिनों में? ऑलमोस्ट अगर आप यहां से देखिए सितंबर 2022 से लेके ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा एक साल या फिर डेढ़ साल के आसपास में इसने 500% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस इज द पावर ऑफ पेशेंस। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छे जगह पे बाय करते हैं ना, तो आपको उनमें बैठना चाहिए पेशेंस के साथ, जब तक वो अपने सारे टारगेट्स अचीव ना कर ले। ये पर्टिकुलर स्टॉक ने तो यहां से 500% का रिटर्न दे दिया है, फिर मैं इसे यहां पे क्यों लेके आया हूं? अब मैं आपको वो सिचुएशन समझाता हूं कि मैं क्यों लेके आया हूं। एक बार को इस पर्टिकुलर स्टॉक को ध्यान से देखिए, इसने कितने परसेंट का फॉल करा था? यहां से इसने फॉल करा था ऑलमोस्ट 94%। तो 94% अगर हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो एक बार को ये होगा हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट, जो हमारा डेप्थ के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, ये होगा एक बार के हमारे टारगेट्स डेप्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो गए। और ये मैंने आपको दो स्विंग के टारगेट दी थी, ये भी हमारे अचीव हो चुके हैं। तो इस लाइन को मैं एक बार यहां से हटा देता हूं। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने, ये जो इसका प्रीवियस हाई था 2017 का, 7 साल बाद ये पर्टिकुलर एरिया ब्रेक किया है इसने, ठीक है। तो अब यहां से ये कितने दूर जा सकता है? हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे 410 रुपए के आसपास का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 481 के आसपास का, थर्ड टारगेट होगा 564। जैसा कि मैंने बताया, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने 7 साल बाद ब्रेकआउट दिया है, तो ये और भी ऊपर जाएगा और आने वाले समय का ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है, ठीक है। बढ़ते हमारे थर्ड एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टॉक है वो है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, इस एरिया के आसपास मैंने हमारे लर्निंग ग्रुप में शेयर करा था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैंने कौन से रेट को शेयर करा था। देखिए ये वो पर्टिकुलर डेट है, दैट इज 15th जून। को मैंने शेयर करा था 1571 के आसपास, और यहां से देखिए इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 57% के आसपास का रिटर्न दिया है, 57 से 58% के आसपास का रिटर्न दिया है। कितने महीनों में? ऑलमोस्ट अगर हम बोले तो 8 मंथ्स में 57% का रिटर्न, विच इज वेरी गुड, ठीक है। अगर आप ये पर्टिकुलर रिटर्न अपने कैपिटल में बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं जिस तरीके से वीडियोस डालता हूँ, जिस तरीके से मेरे स्टॉक्स को आप देखते हैं, इतना अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, तो शायद आप लोगों को ये छोटा लगे, बट अगर सच बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है। 7 to 8 मंथ्स में 50 to 60% का रिटर्न, विच इज वेरी गुड। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आया। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार आप चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए क्या कर रहा है, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करता हुआ जा रहा है, बीच बीच में मैनिपुलेशन भी क्रिएट किया था। सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले देखिए इस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं, ये कौन सा एरिया है? ये एक ऐसा एरिया है जो यहाँ से 2010 से कंटिन्यू से रिजेक्ट हो रहा था, और 2017 में यानी कि जब 7 साल बाद इस पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकआउट आया, तो ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद देखिए प्राइस ने एक अच्छा खासा बाउंस किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और अगर हम इस तरीके से एक जोन मार्क कर ले तो आपको दिख रहा होगा, देखिए प्राइस ने क्या किया, जिस एरिया से उसने रिजेक्शन लिया है उसी पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकआउट करके पहले वो उसी पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकआउट करके पहले तो उसने एक अच्छी खासी रैली दी, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे आके उस एरिया को एक बार रीटेस्ट करा, उसके बाद वहां से एक अच्छी खासी रैली दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से एक मैनिपुलेशन हमें देखने को मिला। ये मैनिपुलेशन क्यों हुआ? ये मैनिपुलेशन होने का एक सिंपल कारण था कि प्राइस को ये जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था ना, मैं ये मंथली में दिखा रहा हूं तो आपको छोटा दिख रहा होगा, बट ये काफी बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया का जब ब्रेकआउट हुआ, यहां से देखिए हैवी सेलिंग करी गई। ये जो हैवी सेलिंग थी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि प्राइस को इतना लंबा मूव करना था और ऑपरेटर्स नहीं चाहते थे कि आप उनके साथ इस रैली को एंजॉय करो। इसीलिए ऑपरेटर ने आप सबको, जितने भी रिटेलर्स थे जिन्होंने इस एरिया के आसपास फ्लाइंग एंट्री की होगी, उन सबको पहले बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद देखिए प्राइस ने कैसा पंप करा है, ठीक है। यहां पे देखिए आपको एक लॉजिक दिख रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस एरिया से रिजेक्शन था, इसी एरिया के आसपास देखिए मंथली में जो कैंडल यहां पे बना, कैंडल यहां तक तो आया था बट अल्टीमेटली क्लोजिंग देखिए इस एरिया के ऊपर ही हुई है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया था ना हमारा 583 का, ये एक बहुत ही शार्प एरिया था। देखिए यहां से किस तरीके से बाइंग आई है एग्जैक्ट इसी एरिया पे, और यहाँ पे भी देखिए इस एरिया पे बाइंग आई है। ये पर्टिकुलर एरिया ब्रेक तो हुआ मंथली में, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग देखिए तीनों मंथ की
इसके अंदर ही हुई है और इसी एरिया से सपोर्ट लेके देखिए प्राइस ऊपर गया है। फिर ये जो रेजिस्टेंस था प्राइस ने जब इसे ब्रेक किया, इसे अच्छे से रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से बाउंस करता हुआ दिख गया है। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों के सामने क्यों लेके आया हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे देखिए इसने एक राउंडिंग कर्व बनाया है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा, मेरे एक फ्रेंड है जो यूएस में रहते हैं और उन्होंने मुझे एक स्टॉक में एनालिसिस करने बोला था, उसका पहले मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा फिर यहाँ पे चीजें समझाऊंगा कि मैंने उन्हें ये क्यों बोला और जो मुझे प्रॉपरली फॉलो करते हैं उन्हें अभी तक समझ में आ गया होगा। एक बार को पहले हम वो चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये वो चार्ट है जो है एनवीडिया कॉर्पोरेशन का चार्ट जो मैंने उन्हें एनालिसिस करके दिया था इस एरिया के आसपास। देखिए इस एरिया के आसपास मैंने उन्हें एनालिसिस करके दिया था। एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने इस एरिया के आसपास उन्हें शेयर करके दिया था जब यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट किया था, तो मैं बोला था कि इस तरीके से रिट्रेस करके प्राइस जा सकता है। प्राइस ने देखिए क्या किया, यहां से एक इंस्टेंट मूव दिया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और यहां से एक अच्छा खासा उन्हें मोमेंटम देखने को मिल गया था। तो उन्होंने ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास मैं बोल रहा था रिटेस पे बाय करने, तो उन्होंने इस एरिया के आसपास बाय करा था क्योंकि रिटेस नहीं हुआ और उसके बाद देखिए उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला था। यहाँ पे भी देखिए सेम टाइप का प्राइस एक्शन है जैसे मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में दिखाया। ठीक है, तो चीजों को अगर आप प्रीवियस रेफरेंस या फिर प्रीवियस चार्ट जो आपने एनालिसिस करी होगी उसके साथ अगर आप रेफर करके चेक करेंगे ना तो आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट करिए। चलिए हम दोबारा से अपने पुराने चार्ट पे चलते हैं। तो दोबारा से हमने प्रीवियस चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे भी देखिए प्राइस ने क्या किया, ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था देखिए प्राइस ने उसे कैसे सपोर्ट की तरह टैप किया है और वहीं से प्राइस ने बाउंस करा है। ठीक है, तो इन चीजों को अगर हम इस तरीके से भी देखें ना तो देखिए ये भी सपोर्ट एरिया था। प्राइस ने जैसे मैं बोलता हूँ जब तक सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं होगा ऑपरेटर्स आपके माइंडसेट के साथ खेलेंगे नहीं, बायर्स को निकालेंगे नहीं, तब तक प्राइस मूव नहीं कर सकता। यही एग्जैक्ट चीज मार्केट में चलती है, ऑपरेटर के जैसा सोचिए ना कि रिटेलर के जैसा। जब तक आप अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन नहीं करेंगे कि यू कैन थिंक लाइक एन ऑपरेटर, तब तक आप सिर्फ लॉस ही करेंगे। यहां से देखिए प्राइस ने एक अच्छी खासी बाउंस करी है और हमारे एरिया से भी अभी 7 to 8 months में 50 to 57% तक का रिटर्न देखने को मिल गया है। तो यही सेम टाइप का देखिए प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसके डेप्थ को मेजर करेंगे, कितने परसेंट का फॉल है, 60% का फॉल है, 60% हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट जो मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्विंग के टारगेट अगर मैं बता दूं, मेरा पहला टारगेट होगा 2763, सेकेंड टारगेट होगा 3110 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 3518 एंड फाइनल टारगेट होगा 4001 के आसपास का। याद रखिएगा मैं जो भी स्टॉक्स इस वीडियो में लेके आया हूँ सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। मैं आपको कोई यहाँ पे बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई या सेल करना है तो अपने हिसाब से एनालाइज करने के बाद या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही बाई करें। ठीक है, तो आज के लिए तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीक के वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस और एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।